ओके तो फ्रेंड कैसा लगा आज का स्टेटस, आप लोग हमें एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड दोस्तों आप लोगों ने स्टार्ट में प्रीव्यू देखा है दोस्तों, इस तरह का स्टेटस बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। एंड दोस्तों बहुत ही इजीली स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने जो प्रीव्यू देखा है दोस्तों, ये हमारा हिंदी सॉन्ग का होली स्पेशल का वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है हमको एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इस तरह का स्टेट जो आप देखें, इस तरह का स्टेट बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा दोस्तों, जिसका नाम अलाइट मोशन है। अलाइट मोशन आपके प्ले स्टोर पर बहुत ही आसान से मिल जाएगा, आप जाके बहुत ही आसान से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लीजिएगा। इतने करने के बाद आपको क्या करना, अपने अलाइट मोशन को पेन कर लेना होगा। पेन करें तब कुछ प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा, तब करना का प्लस के बगल में आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देने बाद आपको सबमिट मार प्रोजेक्ट सेक्विट प्रोजेक्ट, ठीक है। इन दोनों का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंपोर्ट कर लीजिएगा दोस्तों। एक्सएमएल फाइल में दे रखा हूँ, आप जो भी इंपोर्ट करना चाहते हैं इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने बाद अपने सबमिट मार प्रोजेक्ट को दोस्तों पेन कर लेना हो। पेन करें दोस्तों आप देखेंगे इसमें जो भी सारे बिट दिख रहे हैं दोस्तों, इन सारे बिट के हिसाब से आपको फोटो को अटैच करके एंड आपको सेक्विट को कैसे कैसे यूज करना सारा कुछ बहुत इजीली स्टेप में बताने वाला हूँ। तो आप लोग मेरी छोटे से रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो पहले दोस्तों फोटो अटैच करने के लिए स्टार्टिंग पे आ जाना होगा ना, आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्लस लेकिन, प्लस लेकिन पे जाना है, मीडिया पे जाना है दोस्तों। जहाँ भी फोटो रखे रहेंगे नाम पे क्लिक करके उसका फोल्डर सेलेक्ट करना हो, ठीक है ना। आपको कोई फोटो सेलेक्ट करना दोस्तों, ना आपको थ्री डॉट पे जाना, फिर कमीशन पे क्लिक करके तीर पे क्लिक करके कुछ इस प्रकार से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना हो। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों ग्रुप, ठीक है, ब्लू कलर का। इसमें फोटो नहीं अटैच करना है दोस्तों, जहाँ पे आपको यहाँ पे फोटो दिखेगा दोस्तों फोटो नहीं अटैच करना, और जो आपको सारबेट के हिसाब से दोस्तों फोटो को अटैच करना हो, ठीक है। तो मैं पहले जो सारबेट के हिसाब से दोस्तों फोटो को अटैच कर लेता हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे सेकबिट को यूज करना है। तो मैं फोटो को अटैच कर लेता हूँ दोस्तों, लेट्स गो। ओके तो फ्रेंड आप देख सकते हो मैं सारबेट के हिसाब से यहाँ पे फोटो को अटैच कर चुका हूँ। अटैच करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से बैक आ जाना होगा दोस्तों, बैक आने के बाद अपने सेकबिट को पेन कर लेना होगा। एंड दोस्तों आपको जो पहला वाला फोटो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना, फेट पर जाकर इसको कॉपी फेट करना, एंड आपको बैक आके अपने सॉन्गिट में प्रोजेक्ट को ओपन करना। ओपन करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से स्क्रॉल डाउन करना है, आपको फोटो पे क्लिक करके फेट पर जाके आपको पेस्ट करना, ठीक है। पेस्ट करने बाद आपको कुछ तरह से स्क्रॉल करके आपको आगे जाना होगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आ जाना दोस्तों, 13 सेकंड 10 पे आने बाद फोटो पे क्लिक करना है। एक फोटो यहाँ पे भी आपको पेस्ट करने के बाद फिर से स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आ जाना दोस्तों, 19 सेकंड 3 पाने बाद यहाँ पे भी आपको एक फोटो पे पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने बाद दोस्तों आपको फिर से स्क्रॉल करके आपको कुछ तरह से स्क्रॉल करेंगे नीचे आ जाना होगा दोस्तों, यहाँ पे भी आपको लगाना है 20 सेकंड 23 पे भी आपको इसी फेट को पेस्ट करना हो, ठीक है। पेस्ट करेंगे दोस्तों तो कुछ तरह से आपको बैक आ जाना होगा दोस्तों, एंड अपने फिर से फेट को पेन करके यहाँ से आपको दूसरे वाले फोटो पे क्लिक कर जाना होगा। फेट पर जाकर इसको भी कॉपी फेट करके बैक आके आपको अपने सॉन्गिट में आप प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करना। ओपन करने के बाद आपको कुछ तरह से स्क्रॉल करके आपको आगे आ जाना होगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दोस्तों 5 सेकंड 29 पे, ठीक है, आने बाद स्क्रॉल डाउन करना है, फोटो पे क्लिक करके फेट पर जाकर आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आप मिले दोस्तों डबल भी, ठीक है, 7 सेकंड 6 तक जी, यहाँ तक जब आपको इस फोटो को पेस्ट इफेक्ट को पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आपको आगे जाना होगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे आ जाए तो 22 सेकंड 12 पेन बाद स्क्रॉल करके ऊपर आना, फोटो पे क्लिक करके इसमें भी आपको एक फोटो पे पेस्ट करके कुछ तरह से आपको इस पहले फोटो पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ पे भी आपको पेस्ट करना। पेस्ट करने बाद आपको यहाँ पे मिलेगा दोस्तों डबल बिट, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बिट तक दोस्तों इस बिट को पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने बाद आपको फिर से बाइक आके सेकंड बिट को पिन करके आपको तीसरे फोटो पे क्लिक कर देना होगा, ना आपको फिट पर जाकर इसको भी कॉपी फिट करके बाइक आके अपने सोम बिट में प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आपको आ जाना होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके आ जाना होगा, इस तरह से मैं आ जाता हूँ स्क्रॉल करके कुछ तरह से यहाँ पे, ठीक है। 14 सेकंड 14 सेकंड आपको 5 पेन बाद स्क्रॉल डाउन करना दोस्तों, आपको फोटो पे क्लिक करके फिर जाके आपको पेस्ट करना, ठीक है। पेस्ट करने बाद आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करके पेस्ट करना दोस्तों, आपको तीसरे फोटो पे पेस्ट करके कुछ तरह से आपको यहाँ तक 18 सेकंड किस तरह जो इस फोटो को पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको फिर से बाइक आके सेकंड को पेन करके दोस्तों यहाँ से आपको चौथे फोटो पे क्लिक करके फिट जाना है, इसको भी कॉपी फिट करके बाइक आके अपने सोम बिट में प्रोजेक्ट को पेन कर लेना होगा, ठीक है। एंड आपको स्क्रॉल करके कुछ तरह से आगे जाना होगा, ठीक है। तो स्क्रॉल करके आपको आना कहाँ पे, मैं आ जाता हूँ, ठीक है। तो कुछ तरह से पहले स्क्रॉल करके मैं आगे आ जाता हूँ, आपको आना कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। 19 सेकंड 28 पाने बाद स्क्रॉल डाउन करना है, फोटो पे क्लिक करना है, फिट पर जाके आपको पेस्ट करना है, आपको बाइक आके फिर से सेकंड को पिन करके यहाँ से आपको लास्ट वाले फोटो पे क्लिक करके इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेना होगा। और आपको बाइक आके सॉन्गिट में प्रोजेक्ट को ओपन करना, ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इधर से स्क्रॉल करके आपको फिर से आगे जाना हो, ठीक है।
तो आपको स्क्रॉल करके आपको आ जाना होगा कुछ इस प्रकार से, स्क्रॉल करके यहाँ पे ठीक है डबल बीट आपको मिल जाएगा। तो 24 सेकंड नहीं, फिर फोटो पे क्लिक करना है, फोटो पे जाकर पेस्ट करना है ना, आपको दूसरे फोटो पे क्लिक करके इसमें भी आपको पेस्ट करके लास्ट भी आपको जो सारे फोटो अटैच किया है दोस्तों इन सारे फोटो पे पेस्ट कर लीजिएगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, अब इसमें आपको जो है कैसे इमेजेस को ऐड करना है ठीक है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, आपको मिल जाएगा दोस्तों ब्लू कलर का इमेज ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना होगा। और आपको तीर के बगल में इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको कॉपी लेयर करना ठीक है ना, आपको बैक करना है ना, आपको यहाँ पे नेक्स्ट बिट पे आने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट लेयर करना ठीक है। फिर आपसे आपको नेक्स्ट बिट पे आके पेस्ट लेयर करना है, ऐसे ही दोस्तों आपको पेस्ट लेयर करते हुए कुछ तरह से आ जाना होगा ठीक है। तो आपको कहाँ तक पेस्ट करना है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है दोस्तों, कुछ तरह से आपको 5 सेकेंड 7-17 तक आपको इसको इस तरह से पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे इसका जो है जो ब्लू कलर का दिखा इसको लेंथ जो है थोड़ा सा छोटा है ठीक है। इस पर क्लिक करना है, एडजस्ट करने के लिए आपको घड़ी के बॉल में इसको घड़ी पर क्लिक कर देना होगा, आपको इस पर एडजस्ट करना ठीक है। एडजस्ट करने के बाद कुछ तरह से इसको डाउन करना है दोस्तों, इसको भी आपको एडजस्ट तरह से करना हो ठीक है। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको स्क्रॉल करके आपको कुछ कर से यहाँ पे इस पर क्लिक करना, आपको इसको भी कॉपी लेयर करके इसमें आपको नेक्स्ट बिट आके दोस्तों ऐसे आपको पेस्ट करते हुए आ जाना होगा ठीक है। तो कुछ तरह से आपको इसको भी पेस्ट कर लीजिएगा कुछ तरह से यहाँ तक ठीक है। 12 सेकंड 28 तक इसको भी पेस्ट करने बाद आपको फिर से बाइक आ जाना होगा। बाइक आने बाद आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका नाम दोस्तों पीकार्ट है ठीक है। तो पीकार्ट आप इसमें डाउनलोड करने बाद इसको पेन करना हो, पेन करेंगे दोस्तों तो ऐसा आपको मिल जाएगा दोस्तों प्लस वाले आइकन, तो प्लस वाले आइकन पे जाना है दोस्तों, आपको मिल जाएगा एडिट फोटो, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक कर देने बाद आपको कोई भी इमेजेस को ऐड करना ठीक है। तो मान लीजिए मैं इस वाले इमेज को ऐड कर लेता हूँ ठीक है दोस्तों। इस वाले इमेज को ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा टूल्स, टूल्स पर क्लिक कर देना होगा दोस्तों, आपको क्रॉप पे जाना है एंड आपको स्क्रॉल करके आप आएंगे दोस्तों, आप स्टोरी दीजिएगा इस पर आपको एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट करने बाद आपको यहाँ पे सेलेक्शन मार्क पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कम से कम इसको 20-25 फोटो की साइज का करना हो, करने बाद आपको सबमिट मार्क प्रोजेक्ट को अपने पेन करना हो ठीक है। अगर आपको स्क्रॉल डाउन करना है दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करने बाद आपको स्टार्टिंग पे आ जाने के बाद दोस्तों इस तरह से आपको जो ब्लू दिख रहा है दोस्तों बैकग्राउंड इमेज ठीक है, तो बैकग्राउंड इमेज क्लिक कर देना होगा। एंड दोस्तों आपको कलर पे जाना दोस्तों, आपको स्टार वाले आइकन पे आके यहाँ पे आपको जो नान सोल का इमेज को बनाए नाम पे क्लिक करके उसका फोल्डर सेलेक्ट करके उसको इमेज को ऐड कर लीजिएगा ठीक है। ऐड करने बाद आपको बाइक करना, बाइक करने बाद आपको फिर से दूसरे इमेज पे क्लिक ब्लू पे क्लिक करना है, कलर पे जाना स्टार वाले आइकन पे आके इसमें भी आपको नान सोल का इमेज उसको ऐड करना, ऐड करने बाद आपको जो सारे इमेज यहाँ पे पेस्ट किया ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको जो सारे इमेजेस ऐड किए हैं सारे इमेजेस पे उसी तरह से इमेज को ऐड करना होगा 900 का। एंड आपको नेक्स्ट बिट पे आएंगे दोस्तों कुछ तरह से आपको सारे इमेज पे आपको जो ब्लू ब्लू कलर का जो सारे दिखेंगे दोस्तों इन सारे जगह पे आपको इसी तरह से 9-16 इमेजेस को ऐड कर लेना होगा ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ दोस्तों, जो नीचे भी बताया हूँ ठीक है, जिसमें भी आपको बैकग्राउंड इमेज मिलेगा तो इस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल कर पे आके इसमें भी आपको 9-16 का इमेजेस को ऐड कर लीजिएगा ठीक है। ऐड करने के बाद आपको जो सारे ब्लू दिखेंगे दोस्तों इन सारे ब्लू पे इमेजेस को ऐड करने के बाद आपको जो सारे यहाँ पर डिसेबल दोस्तों उसको इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, स्टूडियो काफी शांत तरह से दोस्तों कंप्लीट हो चुका है, हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अब इसको स्टूडियो को दोस्तों एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के दोस्तों सेटिंग के बाद में बॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। बॉक्स पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों कुछ तरह से आपको सेटिंग के बगल में यहाँ पे जो मिल जाएगा एक्सपोर्ट ठीक है, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना होगा।